नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। गलवान घाटी विवाद पिछले 3 महीने से जारी है और चीन और भारत दोनों एक दूसरे को देख लेने की धमकी के साथ साथ डटे हुए हैं। इस बीच चीन को अब लगने लगा है कि उसका पाला किसी ताकतवर से पड़ा है जो पीछे हटने के लिए तैयारी नहीं है, इसलिए चीनी सरकार अब दोस्ती की बात कर रही है। लेकिन चीन के प्रति भारत का रुख कड़ा ही है। भारत का कहना है कि बात तभी होगी जब चीनी सेना पीछे हटेगी। इस बीच भारत में चीनी राजदूत सुन वेडांग ने इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना स्टडीज के कार्यक्रम में कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है और वो टकराव के जाल में उलझने की बजाय अपने मतभेदों को सुलझाने में सक्षम है। इस बीच चीनी राजदूत की तरफ से आए साझेदारी की तमाम बातों के बीच सरकारी सूत्रों के मुताबिक अभी भी जमीन पर पूरी तरह से तनावपूर्ण स्थिति सुलझी नहीं है, क्योंकि चीन की सेनाएं अभी तक ना तो अप्रैल 2020 की स्थिति तक पीछे लौटी है और ना ही उसने अपना सैन्य जमावड़ा कम किया है। अब ऐसे में भारत की आशंकाएं बरकरार है, तो आप समझ सकते हैं कि चीन की क्या सोच है और भारत की जमीन को खाली भी नहीं करना और दोस्ती भी करनी है, जबकि भारत का सख्त बयान है कि दोनों एक साथ नहीं चलेगा, पहले हटो और फिर बात होगी।